हेलो हेलो भाई लोगों, और क्या चाल है भाई। वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है भाई, जिन बंदों का भाई 1GB 2GB रैम का फ़ोन है और गाइस उनका क्रैश होता है, ऑटो बैक होता है, ब्लैक स्क्रीन होती है भाई, सब कुछ अब भर भर के होता है और भाई वो यूट्यूब पर वीडियो देख देख के भाई थक चुके हैं। तो भाई उनका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है इस वीडियो के। अगर वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिले तो भाई आप डिसलाइक दे सकते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग है भाई 100%। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ऐप दे रखी है वहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। और भाई जो VMOS ऐप है, ठीक है, ये उस ऐप का नाम है, उस लोग को आपको ओपन कर लेनी है भाई। अभी तक अफेक्टिव काम कर रही है, देखिए VMS Pro नाम की ऐप है, अभी लेटेस्ट वर्जन आया है इसका, ठीक है। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों को कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब अलाउ वगैरह करोगे आप तो आपको 3 इंटरफेस है वो दिखाई देंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको लास्ट वाला रोम 5.1 स्टैंडर्ड 30 फिट विट वाला, ये देखिए आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ऐसी मतलब आपकी पिक्चर होगी, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप वैसे भी यूट्यूब की वीडियो देख देख के आप 300-400 MB ख़त्म कर देते हैं, इससे बढ़िया आप उसको डाउनलोड करें, केवल 200 MB की होगी, 32 बिट की है, जो कि Z2 वगैरह C11 वगैरह में चल जाता है इजीली। आप लोग इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, केवल 200 MB के करीब का ही है। अब इसको अगर डाउनलोड करोगे भाई, इसमें रूट वूट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन जो सेकंड एंड्रॉयड है वो बना देती है, ठीक है। और भाई इसको मैं भाई रिकमेंडेशन देता हूँ कि भाई जिनकी आइडिया वो कम लेवल की है गाइज, वही इस एप्लीकेशन का वो यूज़ करें। जैसे आप इसका कंप्लीट करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। मैं भाई किसी की आईडी बैन नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जो जिसकी आईडी कम लेवल की है गाइस वही ट्राई करें, या फिर जो है वो नई आइडिया वो बना लें और उसके अंदर आप कह लें, ठीक है। मैं किसी भी बंदे की हाई लेवल की है तो उसको यूज़ करने की मैं सलाह कभी नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों के भले के लिए ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भी घाटा नहीं हो, मैं ये कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने डाउनलोड किया एंड्रॉइड वगैरह आपको दिखाई देगा, फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो आप लोगों को सिर्फ करना है क्या है, ये पूरे स्टेप को ध्यान से दूंगा, केवल आपको वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है। और बाकी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बैक करके पॉज करके भी देख सकते हैं, फिर भी अगर आप समझ में नहीं आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर चले जाएँ, ठीक है। तो ये गाइस अभी ये डाउनलोड हो चुका है, तो आप फिर सबसे पहले आप लोगों क्या करना है, इसको परमिशन वगैरह अलाउ कर देनी है। किसी का अगर ये फ्लोटिंग वगैरह बटन ना दिखाई दे तो उसको फ्लोटिंग बटन अलाउ कर देनी है, ठीक है। स्टोरेज वगैरह आप लोगों को अलाउ कर देनी है एक बार के लिए, ठीक है। जैसे आप कंप्लीट है वो सेटअप वगैरह करेंगे अपना, ठीक है, ये जैसे मैंने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट फ्लोटिंग बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इंपोर्ट का नाम आएगा, इंपोर्ट में आप फ्री फायर को इंपोर्ट कर लें सबसे पहले, ठीक है। और एक Z Archer नाम की एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है, वो आप लोगों क्या करनी है, इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये आपको काम करना है, जो मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में दे रखे हैं, आप लोगों को वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री फायर देखिए जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, ये अपने आप वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ले लेगा, देख सकते हैं। अगर आपको एक भी स्टेप समझ ना आए तो गाइस मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखे हैं, नीचे ग्रुप दे रखा है, उसमें आप कमेंट करें। जैसे आपकी क्वेरी सॉल्व हुआ आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने Z Archer भी है एप्लीकेशन है वो भी है, इंपोर्ट कर लिए। एक बता रहा हूँ कि कैसे इंपोर्ट करते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, VMOS ऐप के अंदर। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो फाइल है जो गिरना की जो com.ds जो फ्री फायर हो रही है, ठीक है, उसको मैं अभी इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं इंपोर्ट, उसको एंड्रॉइड में जाके फाइल के अंदर एंड्रॉइड में जाके फ्री फायर की आपको com.ds फ्री फायर आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करके आप लोगों का कहना है ये इंपोर्ट कर लेनी है। कुछ हल्का फुल्का टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन इजीली हो जाएगा। जैसे आप लोग इसको करेंगे, आगे का स्टेप आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होता थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेता नहीं है वैसे। गाइज अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो, भाई काम नहीं कर रहे हो, तो आप मत करना, ठीक है। लाइक वगैरह डिसलाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी मत करना आप चाहें तो, ठीक है। अगर वर्किंग कर रही हो तो ही करना, फिर आपको करना Z Archer अपना है वो खोल लेना है। और भाई जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ केवल आपको वही स्टेप करने हैं, अगर गलती हो गई तो भाई ये मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा फिर, ठीक है। आपको यहाँ पे आके आपको क्या करना है, VMOS ट्रांसफर फाइल दिख रही हो, ठीक है। इसके अलावा आपको एंड्रॉइड में जाना, सबसे पहले एंड्रॉइड में जाके फिर क्या करना है, यहाँ पे एक नया फोल्डर का निर्माण करना आपको, मतलब फॉर्मेशन करना आपको, जिसका नाम होगा OBB, ठीक है, OBB। और गाइस इस एप्लीकेशन के केवल दो डिमेरिटीज है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट के अंदर, तो वीडियो लास्ट के अंदर आप बने रहें, ठीक है। ये गाइस ये देखिए मैंने फ्री फायर का, फिर मैंने क्या किया, नीचे जो इंस्टॉलेशन फाइल थी उसके अंदर जाके मैंने freefire.com की कॉपी है उसको कॉपी कर ली है। कॉपी करके फिर मैंने ऊपर स्टोरेज के अंदर जाके, डिवाइस स्टोरेज के अंदर जाके, फिर मैंने OBB फाइल के अंदर है यहाँ पे क्या किया मैंने, उसको पेस्ट कर दिया। अब
अभी मैंने फिर से दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा में कॉपी हुआ नहीं था पिछली बार, तो अभी मैं कॉपी करके फिर वो सीधा वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे गाइस रेगुलर गिवेज वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, कस्टम वगैरह बनते रहते हैं, तो भाई सीधी उसकी न्यूज़ है, वो वीडियो नहीं बन सकती, उसके अलावा न्यूज़ मिलती है, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, आप ज्वाइन कर सकते हो वन वर्सेस वन बैटल के लिए इजीली वहाँ पे, ठीक है। ये गाइस देखिए मैंने जो वहाँ से कॉपी है वो कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पॉज भी कर सकते हैं वीडियो, आप आपको एक कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में आप लोग है वो स्मूथली फ्री फायर रन कर पाओगे। देखिए गाइस ये मैंने सारे प्रोसेस अब कंप्लीट कर दिए हैं, तो गाइस अब मैं करने वाला हूँ स्टार्ट फ्री फायर, ठीक है। फ्री फायर में अब सिर्फ इतना सा प्रोसेस करना केवल आपको 200 MB लगने वाले, 200+25, 15, 240, 245, 250 MB आपके लगने वाले, जो आप YouTube की वीडियोस देखने में भी ख़त्म कर देते हो, ठीक है। अब जैसे गाइस आप स्टार्ट करोगे फ्री फायर को, तो गाइस फ्री फायर वो रन करने लगेगा, और भाई साहब आप एकदम लॉगिन भी कर सकते हो, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, सब कुछ आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब सारी प्रोसेस हम काम करेंगे, और आप ये देखिए गाइस ये मैं आपको सीधा गेम प्ले दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस कारण मैं सीधा आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये अभी क्या कर रहा है, अल्ट्रा में चल रहा है, लेकिन गाइस आप चाहें तो उसमें स्मूथ में आप रन कराएं। सबसे पहले देखिए गाइस क्लैश स्क्वाड का मैच, भाई मेरा बहुत क्रैश करता था, केवल एक क्लैश स्क्वाड का मैच भी पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन गाइस अभी देखिए उसके बाद में है वो क्लैश स्क्वाड का मैच है वो पूरा हो पा रहा है। आप 5 से 6 मैच खेल सकते हो ईजिली आप, ठीक है। गेम प्ले तो गाइस सेटिंग वगैरह कुछ एकदम करीब नहीं, तो इस कारण गेम प्ले तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं भाई गेम प्ले वो पूरा हुआ है, मतलब एक मैच और क्लैश स्क्वाड का पूरा मैंने आपको दिखाया करके, बाकी अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये अभी जो ट्रिक है वो अभी वर्किंग कर रही है, अगर आप फिर भी अगर आपकी वर्किंग नहीं कर रही हो तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं गाइस, और ऐसे नई नई ट्रिक्स अब भाई आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा फोन भी बहुत ज़्यादा क्रैश करता था, इस कारण मैं भी भाई बहुत परेशान होता था, तो मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ भाई फीलिंग उन बंदों की, भाई क्या फीलिंग होती होगी उस टाइम जब भाई सामने एनिमी होता है और गाइस और ब्लैक स्क्रीन होकर भाई क्रैश हो जाता है, तो भाई समझ सकता हूँ उन गाइस की फीलिंग सारी, तो भाई क्या कर सकते हैं, ये कोई पाए भाई बहुत मैंने करने भाई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके मैंने सब छोड़ दिया यार, कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन गाइस फाइनली मुझे खुद को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा भाई, काफ़ी मेहनत करने के बाद में गाइस ये सॉल्यूशन वो देखने को मिला है। गाइस काफ़ी बंदों ने इस पर वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी जाके जरिए देख सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है, कैसे आपको इंसर्ट करना है, काफ़ी सारी बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो भाई आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप मत करना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैश डॉग वगैरह भाई ऐसे अभी वर्किंग नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई फ्लैश डॉग की काफ़ी अपडेट्स की जरूरत पड़ती है उसको, क्योंकि भाई फ्री फायर के अंदर अपडेट आ चुका है और उसके अंदर भाई अपडेट नहीं आया, तो गाइस आपको अपडेट की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर फ्लैश डॉग के अंदर। और बाकी अगर आप एक्सटर्नल ऐप यूज़ करते हो तो गाइस मैं रिकमेंडेशन कम ही देता हूँ कि भाई क्योंकि भाई आप यूज़ करो, क्योंकि भाई अगर आपको एकदम एटमोस्ट हो चुका हो कि भाई आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, गेम ही नहीं खेल पा रहे हो, तो ये आप एप्लीकेशन को यूज़ करें, वरना आप यूज़ ना करें, ठीक है। अब इसके दो डीमेरिटीज़ है वो वगैरह मैं बता देता हूँ क्या क्या इसके दो डीमेरिटीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे क्या अपनी टीममेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टीम कोड जनरेट करके ही खेल पाओगे, पहले डीमेरिटीज़ तो इसकी ये है, ठीक है। दूसरी डीमेरिटीज़ ये है कि गाइस आप लोग इसके अंदर है वो आपको फ़ोन के अंदर मिनिमम 2 GB रैम है, वो आपको 2 GB रोम जो कह सकते हैं आप, सैमसंग जेटो के अंदर 16 GB आता है ना, तो उसके अंदर आपको 2 GB आपको फ्री कम से कम रखना है, ठीक है। 2 GB अगर आप कम से कम फ्री नहीं रखोगे तो गाइस आपका ये टिका वो वर्क नहीं करेगी, दूसरी डीमेरिटीज़ होगी। तीसरी डीमेरिटीज़ गाइस बाकी तो कोई है नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्लो वगैरह लोडिंग लेता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो स्मूथली रन करने लग जाता है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो इतनी होने वाली है, अगर आपको वीडियो गाइज थोड़ी सी बहुत भी अच्छी लगी हो तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और गाइज थोड़ी बहुत भी अपडेट आपको मिलती है तो आप मुझे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि भाई अभी लेटेस्ट अब बनाया है तो अभी थोड़ी मतलब ज्वाइन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज थोड़ी बहुत आपकी टीम बन जाएगी ना, तो फिर गाइज सॉल्यूशन का वो सीधा मैं डायरेक्ट वहीं पर दे दूंगा, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी होने वाली गाइज, लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू गाइज़।